वर्कशॉप काय की थी वो मैंने नहीं है स्पेशल पिक्चर हमारी स्टोरी भी कनेक्ट डर भी लगता है अकेले आने में इन सब का जो बेस है ना दैट इज एस्ट्रोलॉजी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे आई रियली डोंट नो कि ये व्लॉग में कितना लंबा चलाऊंगी शायद पूरे 9 दिन चला लूँ और पता नहीं आई रियली डोंट नो कैसे होने वाला है तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आई विश कि सभी लोगों के घरों से सारे दुख वुख सब हर ले माता जी और सबके यहाँ बहुत सारी खुशियाँ और अच्छी हेल्थ मिले आप सबको चलिए चलते हैं मंदिर तो हम लोग आ गए हमारे फेवरेट मंदिर मतलब ये मंदिर मुझे इतना पसंद है एंड थैंकफुली मेरे घर के बहुत पास है और मतलब यहाँ आप लोग अगर भोपाल में रहते ना तो दिस मंदिर कॉल्ड एस करुणाधाम का आश्रम एंड जो भी मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे इस मंदिर में आना एंड इस मंदिर के साथ एक बहुत ही स्पेशल पिक्चर हमारी स्टोरी भी कनेक्टेड है सो दैट्स वाई द टेम्पल इज़ वेरी वेरी स्पेशल फॉर अस और अभी क्या है मैं ज़्यादा सूट तो लेकर के आई नहीं थी मेरे पास 4 या 5 सूट हैं यहाँ पर तो इसलिए मैं बार बार यही सूट हर फेस्टिव में मैं यही सूट पहन रही हूँ और ये लगता भी बहुत प्यारा है तो ये मंदिर की देवी जी हैं अभी इनकी स्थापना नहीं हुई है वो शाम को होगी और चलिए अब चलते हैं अपने घर हाय गाइस सो टुडे इज़ डे 2 ऑफ नवरात्रे आज दूसरा दिन है और मैं अभी जाने वाली हूँ मॉल C21 एक्चुअली उस एरिया में मेरे को थोड़ा सा काम है सो आई थॉट ऑफ चेकिंग आउट वहाँ पर ना वो भी है H&M है तो थोड़ा सा हमारे घर से थोड़ा दूर पड़ता है हमको DB मॉल ज़्यादा पास पड़ता है बट हाँ जो मेरे पेरेंट्स का नया वाला घर रहने वाला है ना वहाँ से उनको वो काफ़ी ज़्यादा पास पड़ेगा तो मुझे उस एरिया में एक्चुअली मैं किसी से मिलने जा रही हूँ तो वहाँ पर आई थॉट कि मैं वहाँ जाऊँगी तो वहाँ भी चेकआउट करके आ जाऊँगी बिकॉज मेरा काफ़ी टाइम से मन हो रहा था कि मैं कोई जीन्स एक्चुअली मैं यहाँ पर लेकर के नहीं आई हूँ स्पेसिफिकली मैं जीन्स लेने के लिए जा रही हूँ तो वहीं पर मॉल में ना ओनली भी है और H&M भी है तो उन दोनों का ही मेरे को डेनिम ज़्यादा जमता है सो दैट्स वाई आई एम गोइंग देयर उससे पहले मैं अभी रेडी होने वाली हूँ अपना एवरीडे मेकअप करने के लिए कल मैंने इसलिए भी ज़्यादा व्लॉग नहीं किया था बिकॉज कल मेरा फास्ट था और फास्ट में ना मेरी एनर्जी बहुत अच्छी नहीं रहती है टू बी वेरी ऑनेस्ट चाहे मैं खाने पीने वाला फास्ट रखूँ चाहे मैं ना खाने वाला फास्ट रखूँ मेरी एनर्जी बहुत अच्छी नहीं रहती है तो क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 1% हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन सीरम ये मैं काफ़ी बार इसके बारे में बता चुकी हूँ एंड कैन यू सी द सिचुएशन ऑफ माई एक्ने बहुत फेड हो चुका है जो मार्क्स है ना वो भी काफ़ी फेड होने लगे हैं सो आई एम हैप्पी अबाउट इट मतलब 15-20 डेज में ये पूरे जो है मार्क्स ये फेड कर दूंगी मैं इनको मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ ये मामा अर्थ का एवरी डे फाउंडेशन इट्स अ ग्लो सीरम फाउंडेशन विटामिन सी बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे ये मैं जो शेड मिक्स करती हूँ ना मैं 03 और 05 शेड्स को मिक्स करके अपने स्किन पर लगाती हूँ बिकॉज ये कॉम्बिनेशन मेरे फेस पे बहुत अच्छा लगता है सबसे बेस्ट इस चीज़ की ये है इस फाउंडेशन की कि ये जो फाउंडेशन है ना एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इसमें कोई केमिकल्स वगैरह नहीं है आप एवरी डे के लिए विदाउट आपकी स्किन डैमेज हो ये सोचे बिना इसको यूज़ कर सकते हो तो इसको मैं अच्छे से लगा लेती हूँ और इसको लगाने के लिए ना आई डोंट इवन यूज़ एनी काइंड ऑफ ब्रश हाथ से आराम से ही डैब करके दिस गिव्स यू इंस्टेंट ग्लो दैट स्टेज अप टू 12 आवर्स परफेक्ट ब्लेंडेबल कवरेज मैं एक और लेयर इसको थोड़ा सा बिल्ड अप करूंगी सो ब्लश के लिए मैं क्या करने वाली हूँ जो लिपस्टिक है मामा अर्थ का मॉइस्चर लॉन्ग स्टे लिपस्टिक इसको मैं यूज करने वाली हूँ एज अ ब्लश की तरह उसके बाद मैं यूज करने वाली हूँ ये मामाअर्थ का ग्लो हाइड्रेटिंग कंसीलर तो मामाअर्थ के जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं दे आर क्राफ्टेड विद अ लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मूला और मामाअर्थ मेकअप प्रोडक्ट आर एनरिच विद द गुडनेस ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लाइक विटामिन सी टर्मरिक एंड आलमंड ऑयल सो इट हैज 100% स्पॉट कवरेज 12 आवर्स हाइड्रेशन एंड एक्सीलेंट ब्लेंडिंग नेक्स्ट इज आई एम गोइंग टू यूज या तो आप कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हो या आप ट्रांसलूसेंट जो पाउडर है वो यूज कर सकते हो तो आई एम गोइंग टू यूज दिस ट्रांसलूसेंट पाउडर सो इट हैज़ नेचुरल मैट फिनिश लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मूला लाइट वेट है और बहुत ही सिल्की स्मूथ टेक्स्चर है नाउ कमिंग टू माई आईज तो आपको पता ही होगा कि मैं बहुत काजल वगैरह नहीं लगाती हूँ तो मैं हल्का सा
लाइनर ये काजल लगा करके इसको स्मज कर रही हूँ। बाद में लगाने वाली हूँ ये लाइनर, बिल्कुल हल्का सा लाइनर लगाऊंगी। 10 सेकंड में ये सिर्फ ड्राई हो जाता है, वाटरप्रूफ है, 10 आवर्स लॉन्ग स्टे है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। बहुत लाइट लाइनर लगाया है, मुझे मस्कारा लगाना फिर भी पसंद है, तो ये बिल्कुल एवरीडे यूज करने के लिए सेफ होता है। बिकॉज दे आर मेड सेफ सर्टिफाइड, व्हिच मींस दे कंटेन नो टॉक्सिन। लुक एट द डिफरेंस ये और इसमें, तो मैं इस आई में भी फटाक से लगा लेती हूँ। This is my eye. Okay, so now for the lipstick, I'm going to use this Plum Punch by Mama Earth. Amazing and beautiful color hai. So it's a 12-hour smudge-proof, long-stay, intense, non-drying, moist matte lip color. Lipstick, very pretty, festive color. Okay, so 02 or 07, these two are my absolute favorite shade. And agar festive ke liye aapko koi lipstick dhoond rahe ho, definitely go for this one. Long stay karne wala hai. So description box mein link diya rahega, do check that out. Screen pe diya hua coupon code agar aap use karenge, you will get discount Mamaearth ki website and app. So aap jabhi bhi Mamaearth ka koi bhi product Mamaearth ki website se purchase karenge, Mamaearth will link your order on a website to a tree that they plant. Iske piche ka purpose ye hai ki aapko ek bahut acha product to mil hi raha hai, saath hi saath aap earth ko bhi contribution kar rahe hain. दूसरी चीज, Mamaearth has launched their Goodness Insider program, which is a loyalty program crafted for everyone. Regular offer के साथ साथ आपको दो travel size gifts मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री होने वाला है, एंड साथ ही साथ फ्री शिपिंग भी आपको मिलने वाली है। नॉट ओनली दैट, देयर आर एक्सक्लूसिव ऑफर्स एंड सेल्स फॉर गुडनेस इनसाइडर्स। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दिया रहेगा, चेक जरूर करिएगा, साथ ही साथ ऐप का भी लिंक दिया रहेगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं फटाफट से चेंज करती हूँ और फिर हम लोग चलते हैं। Hey guys, so let's go. थोड़ा दूर है मेरे घर से, कितना मिनट दिखा रहा है, इट्स सेइंग 12-13 किलोमीटर है। ओके, सो भोपाल में 12-13 किलोमीटर इज मैक्स, क्योंकि सब कुछ आपके अंडर 5 किलोमीटर के रेंज में होता है। लेकिन मुंबई में तो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर इज वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। ओके गाइस, तो पहुंच गई हूं मैं C21। ये बहुत ही आइसोलेटेड एक्चुअली ना, बहुत आउटसाइड बनाया है इसको भोपाल के, और क्योंकि हमारा जो डीबी मॉल है वो तो एकदम बहुत भरा हुआ है, तो उसके अंदर H&M नहीं है। H&M को काफ़ी बड़ी स्पेस चाहिए रहती है, तो इसलिए पूरा एकदम खाली खंडर जैसा था। थोड़ा डर भी लगता है अकेले आने में, तो मैं कोशिश करूँगी कि शाम से पहले यहाँ से निकल जाऊँ। जो यहाँ पर पहले शॉप्स थे, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी शट डाउन हो गए हैं, तो पूरा ही एकदम ऑलमोस्ट खाली मॉल हो गया है, पूरा खाली था ये। बहुत गिरे चुने गिनती के लोग हैं एक्चुअली, अभी शॉप्स भी ओपन नहीं हुई, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, सो बस यही है। तो मैं स्पेसिफिकली दो शॉप्स के लिए यहाँ आई थी, एक था H&M और दूसरा था ओनली। तो जो ओनली है ना, वो यहाँ से शट डाउन हो चुका है फॉर आई डोंट नो फॉर एक्स वाई जेड रीजन, सो नाउ आई एम गोइंग टू H&M। ये सेम लास्ट ईयर मैंने ज़िवामे से परचेज़ करे थे, अगर आपको याद हो तो मैं विंटर्स में इसी तरीके का पहनती थी। तो यहाँ पर भोपाल में विंटर वेयर कलेक्शन लॉन्च हो गए हैं, बिकॉज़ अभी बस जैसे ही नवरात्रि खत्म होगी ना, तो ठंडा वेदर स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए आई थिंक काफ़ी सारा विंटर कलेक्शन मुझे दिख रहा था। तो टॉप वेयर में तो मुझे H&M में कुछ भी इतना खास नहीं लगा, मतलब सब वही ऐसे जेन ज़ी कलेक्शन मैं उसको बोलती हूँ, कि आगे से भी एकदम डीप नेक, पीछे से भी डीप नेक, इधर या तो बहुत इतना डीप होगा कि आप कंफर्टेबली पहन ही नहीं पाओगे, और एक्सट्रीमली क्रॉप थे, तो मुझे मजा नहीं आ रहा था। तो टॉप सेक्शन में तो मैंने कुछ देखा नहीं, मुझे जो स्पेसिफिकली आई वाज हेयर फॉर जीन्स, तो मैं वही देख रही हूँ। टॉप्स तो मुझे मिल ही नहीं रहे, सब या तो डीप नेक टॉप है या ओवर क्रॉप टॉप है, मतलब क्या है यार। दीज आर द डेनिम्स विच आई पिक्ड अप, और अब मैं एक एक को ट्राई करूंगी। मतलब मैं डेनिम जब भी ट्राई करती हूँ ना या लेने जाती हूँ, तो मैं लिटरली बहुत टाइम लेती हूँ, बिकॉज फिटिंग मेरे लिए बहुत मैटर करती है। मैं पूरा उठ के बैठ के स्क्वाट लगा के देखती हूँ। तो येस, ऑब्वियसली मैं थोड़ा लूज फिट जीन्स ही लेने वाली हूँ, बिकॉज अभी तो वही आदत हो चुकी है पहनने की। ये मेरा मॉम्स फिट पहना है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट मेरे पास ऑलरेडी एक मॉम्स फिट जीन्स है, तो मैं सोच रही हूँ उसको रहने देती हूँ।
जो दो डेनिम है ये मैंने सिलेक्ट करी है, मुझे अच्छी लग रही है काफ़ी ज़्यादा, और इनको ट्राई कर करके मैं आई थी यहाँ पर 2 बजे, और अभी टाइम देखे 5:35 हो गया, सिर्फ डेनिम्स ही मैं ट्राई कर रही थी। और ये मेरी अभी करंट डेनिम है जो मैं ओनली के पहनती हूँ, दिस इज़ अ मॉम फिट डेनिम, और इसका तो खैर कोई तोड़ ही नहीं है, बहुत कंफर्टेबल होती है। अगर ओनली का ऑप्शन प्रेजेंट होता तो मैं वहीं से लेती। गाइस, तो मैं आ गई थी घर, और घर पे आने के बाद हम लोग ऐसे ही वॉक करने निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आसपास इतनी सारी देवी जी बैठी हुई हैं, बहुत अंधेरा आ रहा है, हाँ बहुत सारी देवी जी बैठी हुई हैं, और इतना मस्त माहौल हो रखा है चारों तरफ, तो हम लोग वही वॉक करने के लिए निकलते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर 2-3 मंदिर हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है, और हमारे लेफ्ट राइट सब जगह देवी जी बैठी हुई हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। गुड मॉर्निंग। सो आज है day 3 ऑफ नवरात्रि, और आज मैं क्या कर रही हूँ, मैं डिक्लटरिंग कर रही हूँ। मेरे पास ना, मैंने अपनी शादी के टाइम में बहुत सारी चूड़ियाँ खरीदी थी, भगवान जाने क्या सोच के खरीदी थी, जबकि मुझे चूड़ियों का 1% भी इंटरेस्ट ना तब था ना अब है, और मुझे नहीं लगता फ्यूचर में कभी आएगा। तो हम सोच रहे हैं किसी को दे देते हैं, कोई पहन लेगा एटलीस्ट, जो खुशी से तो पहनेगा। और मुझे को एक और चीज़ करवाना है, मुझे अपने बाल कट करवाने हैं। मेरे बालों की लेंथ देखो आप कहाँ तक आ गई, मतलब तो जिससे मैंने लास्ट अपने हेयर कट करवाया था मुंबई में, उन्हीं से मेरा मन है बाल कटवाने का, बिकॉज उन्होंने बहुत तगड़ी हेयर कट दी थी। अभी तो वापस से सब बढ़ के मेरे लेयर्स वगैरह सब एक हो गए हैं, मुझे हेयर कट कराना है। और आज क्या करना है, आज मैं बुटीक जाने वाली हूँ, मैं निकालती हूँ क्या क्या चीज़ें मुझे लेकर के जानी है बुटीक में। तो जो चूड़ियाँ हैं ना वो मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने परचेज करी थी। भाई इतनी चूड़ियाँ खरीदी थी, मतलब मैं, मेरे कजन्स वगैरह की भी शादियाँ हुई ना, तो मैं यूजुअली एक हाथ में तो वॉच ही पहनती हूँ, और दूसरे हाथ में ज़्यादा ये तो ब्रेसलेट पहन लूँ, और अगर चूड़ी पहनना भी हो तो फिर मैं गोल्ड के इतने सारे बैंगल्स और कड़े हैं मेरे पास, मैं वो पहन लेती हूँ। तो मेरे को इतना चूड़ी वूड़ी का है नहीं शौक, जैसे किसी किसी को होता है ना बहुत इंटरेस्ट होता है, तो मुझे बैंगल्स का पर्सनली बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सब मैंने चूड़ियाँ ली हुई थी, एंड आई थिंक ये जो सारी है ना, ये शायद मैंने एंगेजमेंट वाला जो मेरा लहंगा उससे मैच करा था, पता नहीं क्या क्या मैच करा के मैंने लिया था, भगवान जाने। ये येलो, ये मतलब बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, ये भी पता नहीं मैंने क्यों लिया था, शाका पोला के बाद। ये इस तरीके के बैंगल ब्रेसलेट, तो ये सब जो है, और देखिए वहाँ पर भी कुछ बैंगल्स निकल के रखे, किसी को बॉक्स के साथ दे दूँगी। दीज आर द सूट्स जो मुझे डाल के आने हैं, एक तो आते हैं सबसे पहले इसके ऊपर, तो ये एकदम प्योर कॉटन का बहुत ही प्यारे से मेहंदी और येलो कलर जो होता है ना, मिक्स कलर का सूट है, और इस तरीके का इसमें वर्क नहीं बोलेंगे, मतलब बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कोई इतना तामझाम वाला नहीं है। जो बॉटम है वो ये है, इस तरीके का बॉटम है, ये अगेन कॉटन का है, और इसका जो दुपट्टा है वो ऐसे प्योर शिफॉन का, एक्चुअली बहुत घुचड़ पुचड़ करके रखा था मैंने, तो इसलिए ये ऐसा हो गया है। सो दिस इज़ द सूट। ये वाला जो सूट है इसको मैं ऑल्टर कराने वाली हूँ, ऑल्टरेशन कराने के लिए डालना है। और ये वाला जो मेरा कुर्ता है इसको मुझे क्या कराना है, इसका जो नेक है ना वो मुझे थोड़ा बड़ा करवाना है, बहुत छोटा नेक है। नेक्स्ट जो कल मैं लेकर के आई हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो दीज आर द जीन्स जो मैं लेकर के आई हूँ। एक तो ये है बूटकट हाई वेस्ट जीन्स, और मेरी जो वेस्ट है वो है 36x8, तो 36 EUR का मतलब होता है 26 वेस्ट। सो बेसिकली ये जो EUR नंबर होता है ना, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है EUR जैसे 36 है, तो आप इसको अपना जो इंडियन साइज वेस्ट साइज होता है ना, जैसे अपन 26, 28, 30 ऐसे मेजर करते हैं, तो इनका EUR 36 मतलब होता है 26, इनका EUR 34 मतलब होता है 24। ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, मेरे को पहले बहुत कंफ्यूजन होता था इनके ये साइजेस के ऊपर। वैसे अगर मैं लोवेस्ट पहनती हूँ ना तो मुझे 28 साइज आता है, बिकॉज आई कैरी हाई वेस्ट, तो जो हाई वेस्ट होती है ना वो ये होता है, दिस इज द वेस्ट, तो ये तो ऑब्वियसली 26 ही है, कम ही है ये तो। दिस 90s स्ट्रेट अल्ट्रा हाई वेस्ट जीन्स, अगेन EUR 36 और स्ट्रेट फिट है ये। मैंने एक एक जीन्स इत्मीनान से, मतलब इसको जब मैं सिलेक्ट कर रही थी, परचेस कर रही थी ना, तो उससे पहले भी मैंने 3-4 बार पहन के देखा। वो ट्रायल रूम के बाहर जो बंदी खड़ी थी वो सोच रही होगी बहुत ही कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी है भैया, बट मुझे ऐसा है कि भाई जब मैं जीन्स वगैरह ले रही हूँ और इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो फिर थोड़ा ढंग की होनी चाहिए कि मतलब वो चले एटलीस्ट, और साइज़ भी ऐसा हो, कंफर्टेबल हो। तो एक मुझे ना वो भी बहुत पसंद आई थी स्लिम फिट, बट फिर मुझे स्लिम फिट का ना, अब जब से इस तरीके की जीन्स पहनने लग गए, डेनिम्स पहनने लग गए ना लूज़ फिटिंग वाली, तो वो स्लिम फिट वाली मुझे पसंद भी नहीं आती है, और मुझे मज़ा भी नहीं आता स्लिम फिट पहनने में। तो दिस इज़ द फर्स्ट जीन्स जो वो 90s वाली है ना, वो ये है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इसको नीचे से हल्का सा कट करवाऊंगी। अब आप इन दोनों में डिफरेंस देखो, इसको जब मैं फोल्ड कर रही हूँ तो ये ज्यादा बेटर लग रहा है एज कम्पेयर टू दिस, ये जो लॉन्ग वाला है। सो आई एम गोइंग टू कट इट ताकि मेरा एंकल दिखे। नेक्स्ट है वो ये है,
दिस इज द जीन्स, ये अगेन बूट कट है। आई रियली लाइक बूट कट पैटर्न्स, मतलब मेरे बॉडी टाइप में इट लुक्स रियली गुड जीन्स। ओके गाइस, सो लास्ट वीडियो में ना आपको याद होगा मैंने एक वर्कशॉप के बारे में बात करी थी, और वो वर्कशॉप काय की थी वो मैंने बताया नहीं था, मैंने बताया मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो वो जो वर्कशॉप थी ना वो थी वेस्टर्न वियर स्टाइलिंग वर्कशॉप। तो मुझे ये इंस्टाग्राम पे एक ऐड दिखा और मैं बड़ी इंटरेस्टेड हो गई थी, मैंने कहा यार चलो देखते हैं क्या बताने वाले। उसमें जो उन्होंने हमको पॉइंटर्स बताए थे ना कि वो ये बताएगी कि आपके बॉडी टाइप में क्या सूट होता है, वो ये बताएगी कि आपको किस तरीके से रेडी होना चाहिए, आपको कैसे होना चाहिए होना चाहिए, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी वो वर्कशॉप टू बी वेरी ऑनेस्ट। और तो मैंने कहा चलो अटेंड करके देखते हैं। फिर मैंने उसके चार्जेस देखे तो इट वॉज अराउंड 999। शी चार्ज लिटरली अ बॉम्ब। अगर आपकी वार्डरोब आपको चेंज करवानी है, वार्डरोब रिवैम्प करवानी है, तो उसका वो चार्जेस देती है 35-40K। लगा उसके चार्जेस देख करके वो जो वर्कशॉप थी वो काफी अफोर्डेबल थी, तो मैंने कहा चलो ज्वाइन करके देखती हूँ। 2 घंटे की वर्कशॉप थी। उससे गई थी, जैसे बहुत सारी लड़कियों का रीजन था कि भाई वो कोविड में 2 साल घर पे रहे तो अब वो शॉपिंग करना भूल गए, उनको नहीं पता उनके ऊपर क्या अच्छा लगेगा। सम आर मोस्टली आर न्यू मॉम्स, तो उनको टाइम नहीं लगाना है लेकिन फिर भी उनको स्टाइलिश दिखना है, इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे वो चाहते थे कि हम एफर्टलेसली स्टाइलिश दिखें, तो इस सब टॉपिक पे लोग आए थे। बट पर्सनली मैं अपना व्यू बताऊँ ना, पहले तो मैं नेम डिस्क्लोज नहीं करूँगी, अगर मुझे पसंद आती तो मैं डेफिनेटली उनको प्रमोट करती और बताती कि बहुत अच्छी उनकी वर्कशॉप थी। बट आई वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था 1000 रुपये में जिस तरीके का आपने हमको वो दिया था, इंडेक्स दिया था कि आप ये बताओगे, वैसा कुछ नहीं बताया गया है। ये बेसिक चीज़ें, ब्लू जीन्स के ऊपर व्हाइट टी शर्ट पहनना है, ब्लू जीन्स के ऊपर ब्लैक टी शर्ट पहनना, उसके ऊपर आप एक ब्लेजर पहन लो और अच्छे से स्टाइलिश हील्स पहन लो, ये सबको पता है कि आप इसमें स्टाइलिश दिखोगे ही दिखोगे, राइट। जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो इन शॉर्ट मैं बोलूंगी तो मुझे वो बहुत वर्थ इट नहीं लगी, लगता है वो बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। मैं ये नहीं बता रही कि उसकी वर्कशॉप बिल्कुल ही यूजफुल नहीं थी, कुछ पॉइंटर्स बहुत अच्छे थे, वर्कशॉप इज नॉट हेल्पफुल फॉर मी, बहुत वर्थ इट मुझे नहीं लगी। जो सेकंड बात है वो ये है कि जैसे कि आई थिंक मैंने ये बता दिया है कि मैं वास्तु की ट्रेनिंग ले रही हूँ और मेरी जो ट्रेनिंग है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। आई एम स्टिल नॉट सर्टिफाइड। सर्टिफाइड होने के लिए पहले मैं ये चाह रही हूँ, मतलब सर्टिफिकेशन मैं कल चाहूँ कल मुझे मिल जाएगा आराम से, जो मैंने इतनी लंबी ट्रेनिंग ली है। बट मैं ये चाह रही हूँ कि मैं सर्टिफिकेशन तब लूँ जब मैं प्रॉपर एकदम परफेक्ट हो जाऊँ। और मतलब अभी मैं जैसे मुझे ना एकदम से चीज़ें याद नहीं है, मुझे अपनी जो मेरे नोट्स हैं वो खोल के कभी कभी देखने पड़ जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैं पूरी प्रैक्टिस कर लूँ अच्छे से और उसके बाद फिर मैं सर्टिफिकेशन लूँगी। तो सर्टिफिकेशन लेना इज़ नॉट अ बिग डील, बट मेरा मेन मोटिव ये है कि भाई मुझे आना चाहिए, है ना, मेरे मैं सेटिस्फाइड होनी चाहिए अपनी सर्विस अपनी खुद, मतलब मुझे इतना तगड़ा आना चाहिए कि मुंह जबानी कोई मुझसे पूछे ऐसा 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 ऐसा, मतलब ऐसा मुझे रट जाना चाहिए वो, तब मैं सर्टिफिकेशन लूंगी। जो मैं सीख रही हूँ प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, एडवांस लेवल का रजिस्टर किया और अब मेरी एडवांस लेवल की क्लास चल रही है, तो नाउ आई विल बिकम, मतलब आज, हाँ आज मेरा लास्ट क्लास है प्रोफेशनल सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट। उसके बाद एक और थर्ड लेवल आएगा, अभी मैं सेकंड लेवल पे हूँ, तो जो थर्ड लेवल मेरा आने वाला है दैट इज उसमें मैं अगर वो जो क्लास है वो अटेंड कर लूँगी, थर्ड लेवल अटेंड करने के बाद मैं कोच बन जाऊँगी, मतलब मैं इवन कोचिंग्स भी प्रोवाइड कर सकूँगी न्यूमरोलॉजी की। और ऐसा तो जो बेसिक न्यूमरोलॉजी होती है ना, जो आप जैसे यूट्यूब वीडियोज़ और इन सब में देखते हो, कि ये बहुत छोटा लेवल है, मतलब मैंने भी पहले देख रखे हैं न्यूमरोलॉजी के वीडियोज़ की बेसिकली न्यूमरोलॉजी होती क्या है, कैसा क्या उसमें क्या देखा जाता है, क्या होता है एंड ऑल दैट, तो वो देखा हुआ है मैंने। जैसे लो शुगरेड वगैरह देखते हैं, ये बहुत सिंपल होता है, मतलब आप इवन यूट्यूब वीडियो से भी सीख सकते हो, बट न्यूमरोलॉजी इससे भी बहुत एडवांस लेवल की है, इतना इंटरेस्टिंग है, मतलब सबसे मेन चीज तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ व्हाई आई एम लर्निंग दिस, मैं जिससे सीख रही हूँ ना, मुझे उनसे उनके साथ उनसे सीखने में इसलिए भी इतना अच्छा लगा। लो शुगरेड जो है इट इज एक्चुअली अ चाइनीज मेथड ऑफ जो नंबर्स है उसको देखने का होता है, तो इतना मुझे पता चल चुका है इतना सब देखने के बाद कि जितनी भी न्यूमरोलॉजी हो गया, जितनी भी तरह की न्यूमरोलॉजी आई है अभी तक, लो शुगरेड हो गई, उसके बाद वैदिक न्यूमरोलॉजी हो गई एंड शैल्डियन मेथड हो गया, तो ये जितने भी मेथड्स हैं और भी बहुत सारे के तरीके होते हैं, अलग अलग कंट्रीज के अपना अलग अलग तरीका निकाल करके रखा हुआ है, इन सब का जो बेस है ना दैट इज एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इन सब का बाप है, उन्हीं से मतलब निकाल निकाल के अपने अपने मॉडिफिकेशंस करके अलग अलग नाम देकर के अलग अलग तरीके से बोलते हैं। मैं सीख रही हूँ ना, उन्होंने हमको जैसे कैसे, फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे 2 नंबर जो 2 नंबर वाले डेट ऑफ बर्थ जिनका रहता है, जिनका बेसिक नंबर 2 रहता है, जिनका भी बर्थडे 2 को आता होगा, या 11 नंबर रहता है जिनका, इंडिकेट्स मून, है ना। अब मून
मून जो है ना, मून क्यों घटता है बढ़ता है, मून को किसने श्राप दिया था, एक राजा थे उनकी 29 रानियां थी, उनमें से एक बेटी थी रोहिणी, ऐसे करके पूरी जो एक माइथोलॉजी जो पुरानी स्टोरीज चली आ रही ना उससे कनेक्ट करके हमको सिखाया जा रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे 3 नंबर जुपिटर का होता है, जुपिटर गुरु गुरु बोलते हैं। अब जुपिटर क्यों, क्या है उसके एट्रीब्यूट्स, क्या है इसके पीछे की माइथोलॉजिकल स्टोरी क्या थी, है ना, वो सब चीजें पता चल रही है। तो वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सीखने में, लिटरली बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, तो वो मैं सीख रही हूँ। और उसके बाद न्यूमरोलॉजी का तो मैं डेफिनेटली मैं सोच रही हूँ कि आगे चल के मैं इसका कंसल्टेशन भी करूंगी, क्योंकि मुझे खुद में बहुत कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। मतलब मैं अभी भी बहुत सारी चीजें आराम से कैलकुलेट कर लेती हूँ। तीसरी चीज जो मैं सीख रही हूँ, थोड़ा बहुत कुंडली देखना सीख रही हूँ। तो कुंडली देखना मैं किससे सीख रही हूँ, शी इज माई सब्सक्राइबर ओनली, उसी मैं सीख रही हूँ। तो पहले मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसका मैं आपको पेज भी इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। 3 चीजें तो मुझे सीखनी ही सीखनी है, मेरा बहुत मन था ये ट्राई करने का, और इसलिए। और वैसे भी पता है, मतलब आप सोचोगे यार ये इतनी चीजें, कभी मैक्रम सीख रही है, कभी कुछ सीख रही है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपके पास एक लाइफ मिली है। मैं इस टाइप की हूँ कि मुझे नई नई चीजें सीखना बहुत पसंद है। मेरे को मास्टर नहीं होना है सब में, ठीक है, मुझे मास्टरी नहीं करनी है किसी में, बट आई लव टू लर्न न्यू थिंग्स, और अच्छा लगता है नई चीज, और जिसमें इंटरेस्ट है वो सीखना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब भी मेरा न्यूमरोलॉजी वाला ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं स्टार्टिंग 50-60 लोगों को, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट दूंगी, पूरा विद नेम करेक्शन एवरीथिंग। बड़ा रीजन तो ये कि मेरी खुद की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और मैं अपने आप से भी तो चीजें रिसर्च करना चाहती हूँ कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है। तो मेरा फायदा भी ये हो जाएगा कि मैं आप लोगों को फ्री कंसल्टेशन दे पाऊंगी, और आप लोग भी मुझे जज कर पाओगे कि हाँ मैं सही से बता पा रही हूँ, नहीं बता पा रही हूँ, 70% सही बता रही हूँ, 60%, 80% है ना, कैसे बता रही हूँ। तो वो सारी चीजें हैं, तो वो मैं डिस्क्लोज करूंगी डेफिनेटली, इंस्टाग्राम पे मैं शेयर करूंगी। तो आप मुझे मेक श्योर करना कि इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करते रहें। अपनी एक जीन्स भी लेकर के जा रही हूँ ऑल्टर कराने के लिए, सारा सामान मैंने कहा गया ये रासम निकाल के रख लिया, जो जो भी लेकर के जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। और सूट्स वगैरह डाल करके आ गई हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 वीक का टाइम लगेगा, नेक्स्ट वीक मुझे मिलेंगे। आज मुझे वैसे Q&A वीडियो शूट करना था, बट अभी 4 बज चुके हैं, Q&A के लिए मुझे लिटरली 1 या 2 बजे लग के बैठना पड़ेगा, तब जा करके ढंग से Q&A वीडियो शूट हो पाएगा, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। और मेरे पास जो क्वेश्चंस आए ना, वो यूट्यूब पे भी बहुत सारे, मतलब कुछ लोगों ने तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, वीडियो में पूरा कंटिन्यू करेंगे और अदरवाइज 2 वीडियो बनाएंगे। तो लेट्स सी, डिपेंड करता है कितने क्वेश्चंस और कितना बड़ा वीडियो हो रहा है। और यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो, आज का व्लॉग में यही खत्म कर दिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो, एंड आल्सो थैंक यू सो मच, लास्ट वाला जो व्लॉग है उसमें बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स आए थे। एंड या मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।